है गाइस वेलकम ऑन दिस पीटी पॉइंटर हिस्ट्री सीरीज़ ऑन आशीष मले कायास अकेडमी यूट्यूब चैनल विथ मी श्रेयांश निगम एज यू ऑल नो दैट आर द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑन आशीष मले कास अकेडमी यूट्यूब चैनल देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस पार्ट्स को अच्छी तरीके से देखा हुआ है और आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तभी आपको इस सीरीज़ की हर एक पार्ट ईजिली समझ में आएंगे जब आपने इसका प्रीवियस पार्ट अच्छे से देखा होगा ठीक है बिकॉज हिस्ट्री इज कम्प्लीटली द फॉलोइंग ऑफ इवेंट्स एक इवेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन इवेंट इज़ कम्पलीटली रिस्पॉसिबल फॉर द अदर एंड द अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड वन ठीक है क्योंकि ये टाइमलाइन और इवेंट्स पैरलि चलते हैं ठीक है इससे पहले के अगर मैं वीडियोस की आपको बात करूं तो क्लास इलेवंथ के एन के पहले चैप्टर से मैंने स्टार्टिंग करी है और प्रोबेबली आपका एक अच्छा सा बेस स्ट्रांग हो जाए एक अच्छा स्टैंडर्ड आपका सेट हो जाए इसलिए इस आ, क्लास इलेवंथ को सेट किया है और इन द नियर फ्यूचर इन द अपकमिंग वीडियोज़ आपको हर क्लास की एन की पूरी डिस्क्रिप्टिव वे में हिस्ट्री देखने को इस सीरीज़ में मिलेगी ठीक है सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग द सीरीज एंड एज आई ऑलवेज सेवर फॉरगेट टू टेक योर डेली डोज ऑफ हिस्ट्री ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जस्ट फोकस ऑन द टूडेज टॉपिक बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस थ्री मेटिकुलस बैचेस जो कि रिसेंटली अभी छः जुलाई को स्टार्ट हुए हैं तो अगर आप में से जो लोग भी यू सिविल सर्विसेज दो हज़ार की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दोज हु वॉन्ट टू टेक द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैन यूज़ दिस कोड आशीष मलिक टेन बिकॉज बाई यूजिंग दिस कोड यू विल गेट स्ट्रेट टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट तो अगर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट चाहिए अपने अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे तो आप इस कोड को प्लीज़ यूज़ करें आशीष मलिक टेन को ठीक है ओके सो दीज आर द कोर्सेज ऑन विच यू कैन लॉगऑन टू देन आफ्टर दिस इज दिस आर थ्री सिक्सटी फाइव बुक बाय आशीष मलिक सर दिस बुक इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स एंड विल हेल्प यू इन यूर करंट अफेयर ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो इन योर पेपर तो दिस बुक इज़ प्रेजेंट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हो वाया फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ठीक है ओके नाउ जो लोग नए हैं इस सीरीज पे थोड़ा सा उनके बारे में उनको मैं इस सीरीज के बारे में बता दूँ दैट uh, इस सीरीज में गाइस वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स आफ्टर दैट वी विल बी वी आर डीलिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ टाइमलाइन टाइमलाइन टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टाइम इवेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज गो ऑन पार्लरी देन आफ्टर पार्लल पार्लरी देन प्रॉपर यूजेज ऑफ की एंड टर्मोलॉजीज वी आर कवरिंग एंड देन लास्ट बट नॉट द लीज इज़ द टॉपिक वाइज क्वेश्चन ठीक है तो अगर आप अपनी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं आपको डेली रोज ऑफ हिस्ट्री लेनी है सिर्फ उसे और कुछ नहीं करना है आ, देखो गैस मेरे को नहीं लगता उन्नीस बीस बाईस मिनट की एक वीडियो देख लेने से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि उससे आपको आपकी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर हो जाता है ठीक है तो आई होप सो आप को समझ में आ गया होगा सो फॉर देट आई वुड लाइक आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल्थ कि मैंने क्लास इलेवेंथ हिस्ट्री की बुक एज़ आ रेफरेंस बुक यूज़ करी है फॉर दिस सीरीज़ सो यू कैन ऑल्सो रिफर दिस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स एज वेल एज टाइम लाइन अब इसी के साथ अगर आपने हम लोग के टेलीग्राम चैनल को अभी तक की ज्वाइन नहीं किया है सो दिस इज़ द लिंक द लिंक इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो आप वहाँ पे जा कर के भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ इस चैनल पे बेसिकली आपको एक गुड एटमॉस्फेयर मिलेगा और साथ में ई नोट्स एंड पी भी मिल जाएंगे ठीक है सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थीम ऑफ द एम्पायर एम्पायर देन हियर विल बी डीलिंग विद एन एम्पायर द थ्री कॉन्टिनेंट्स द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स देखिए इसने आपको ये मेरा जो है इस इस चैप्टर का बेसिकली थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट है इससे पहले आपको पार्ट वन पी वन पी टू देखने को मिलेगा आप पी वन पी टू एक बार देख लें क्योंकि उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे इसकी इंट्रोडक्शन और सभी तरीके के एम्पायर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें बताई है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी सो प्लीज़ आप उन सबको देख लें आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर देखिए यहाँ पे आज का आज का ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है विद दी रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर जो था मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि रोमन गवर्नमेंट जो थी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है ईस्टर्न और वेस्टर्न देन आफ्टर वेस्टर्न जो पार्ट होता है उसमें देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस वेस्टर्न पार्ट एंड द ट्राइब्स ओवर देयर उसमें एम यू टी एज उठाती हैं देन ऐसी कई सारी तरीके की सकते हैं कि ट्राइज हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलती है सो रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली divided डिवाइडेड two टू the early अर्ली एंड लेट रोमन एम्पायर को हम लोग दो फेसेस दो में बांट सकते हैं एक तो अर्ली एंड लेट डिवाइडेड बाय द थर्ड सेंचुरी एज सॉट एज अ हिस्टोरिकल वाटर शेड बिटवीन दैम इन अदर the whole होल पीरियड डाउन टू main पार्ट ऑफ द थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड एज द अर्ली एम्पायर मतलब थर्ड सेंचुरी से लेकर के अब तक की जितना भी है उसको हम लोग अर्ली में काउंट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर द पीरियड उसके बाद का जितना भी पीरियड है वो सारा का सारा हम लोग लेट में कवर कर रहे हैं ठीक है अगर इससे पहले वाला पार्ट आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसमें टाइम को मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे पर बहुत ही इलेसोरेट करके कायदे से डिस्क्राइब किया है तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी ठीक है तो इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये है रोमन अम्पायर रोमन अम्पायर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट द ईस्ट द अर्ली वन एंड द एंड द लेट वन ठीक है सो अर्ली वन विल बी द फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी टू देन एंड देन आफ्टर जितना भी बसता है वो सारा का सारा हमारा लेट लेट फेज कहलाया जाएगा ठीक है अब इसके बाद द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स अब यहाँ पे दो सुपर पावर्स की देखिए यहाँ पे बात करी गई है लेकिन कहो कि सर कि बताया तो सिर्फ रोमन अम्पायर के बारे में ही जा रहा है ऐसा नहीं है गाइज यहाँ पे अगर uh, जो दो बेसिकली पावर्स की बात हो रही है वो हो रही है रोमन्स और दूसरी हो रही है ईरानियंस ठीक है एक तो हो रही है रोमन्स की और दूसरी हो रही है ईरानियंस की ठीक सो so, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स एंड दे रिस्पेक्टिव एम्पायर्स दैट द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मोर डाइवर्स अब जोन रोमन एम्पायर होता है एक तरफ हमारा आता है रोमन एम्पायर एक तरफ आता है हमारा रोमन एम्पायर एक तरफ आता है ईरानियन एम्पायर रोमन एम्पायर जो होता है वो कल्चरली जो होता है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है एज कंपेयर टू ईरानियन एम्पायर ठीक है ईरानियन एम्पायर में हम लोग को सिर्फ ईरानियस देखने को मिलते हैं कौन देखने को मिलते हैं ईरानियंस देखने को मिलते हैं जबकि अगर हम यहाँ रोमन एम्पायर की बात करें तो हम लोग यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं ठीक अब यहाँ पे द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ ईरान द पार्थियंस एंड लेटर दिन ससेनियंस द डाइनास्टीज दैट रूल द इराक इन दिन द इन दिस पीरियड उस टाइम ईरान में जो बेसिकली दो डायनेस्टीज थी ईरान इक्वल तो टू टू डायनेस्टीज पहला तो थी हमारी पार्थियंस और दूसरी थी हमारी ससेंस ठीक है ये जो ससेंस और पार्थियंस थी ये दो हम लोग को डायनेस्टीज थी जो कि ईरान को रूल कर रही थी ठीक है आफ्टर दिस रूल्ड ओवर द पॉपुलेशन दैट वॉज लार्जली ईरानियंस सिर्फ हमें ईरानियंस देखने को मिलते थे द रोमन अम्पायर उसी जगह पे अगर हम ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें रोमन अम्पायर की तो इट वॉज़ अ मुसैक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स दैट वुड चीफली बाउंड टूगेदर देखिए मुसाक का मतलब बेसिकली आप लोग जानते होंगे जैसे आई होप तो सबने सब पजल के बारे में तो जानते ही होंगे ठीक है पजल में कैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उन छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके हम क्या करते हैं एक बड़ा सा एक फिगर का प्रोप फिगर बनाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे रशिया रोमन अम्पायर जो था इट वाज अ इट वाज अ मोसाक ऑफ टेरिटरीज मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर तरीके के यहाँ पे डाइवर्सिफाइड लोगों को मिला करके टेरिटरीज को मिला कर के एक रोमन अम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था दैट इज़ वाई दिस वॉज़ आई फील आई पर्सनली फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट की फीचर ऑफ़ रोमन अम्पायर ठीक है वेयर एज़ ईरान में हमको सिर्फ ईरानियंस देखने को मिलते हैं ठीक Many languages वर स्पोकन इन दी एम्पायर अब रोमन एम्पायर में हम लोग को कई सारी लैंग्वेज अब चूंकि भाई डायवर्सिफाइड है जैसे इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री कदम कदम पे बोली बदलती है वैसे ही रोमन्स रोमन एट द टाइम वॉज क्लासीफाइड एज ए डाइवर्सिफाइड तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा बहुत सारी तरीके की लैंग्वेजेज होंगी यूज़ करी जाएंगी उस एम्पायर में बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के परपज़ भी गई जैसे अपने यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश यूज़ होती है इंडिया में वैसे ही वहाँ उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस पे लेटिन और ग्रीक का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें भी जो लेटिन थी वो बेसिकली क्या होती थी जो वेस्टर्न साइड था वो लेटिन को प्रेफर करता था और जो ईस्टर्न साइड था वो ग्रीक को प्रेफर करता था ग्रीक आई होप सो आप सभी को पता होगा यूनानी भाषा ठीक है ठीक सो अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक those of the west in the latin and the boundary between these bo uh, these broad languages areas ran somewhere across the middle of the mediterranean sea ठीक तो ये सारी बेसिकली कई सारी तरीके की भाषा थी बट द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट वर द लेटिन एंड द ग्रीक्स जिसमें कि जो ग्रीक थी इट वर यूज बाय द ईस्ट वंस एंड द अपर क्लास जो बेसिकली था और वेस्ट जो वेस्टर्न पार्ट्स में जितने भी थे उन सब वो लेटिन का इस्तेमाल करते थे अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिपब्लिक की और कॉन्सपिकेटेड कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी की अच्छा ये बताइए जैसे कोई भी आर्मी होती है तो इट इज़ उसका मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है टू सर्व देम फॉर दे फॉर दे मदर लैंड मीन्स जो पेट्रियाटिज़म की जो फीलिंग होती है वो उनकी ओन ओन होती है ना सेल्फ होती है वो अपने उनकी इेट होती है ठीक लेकिन ऐसा मतलब थोड़ी ना कि आप ज़बरदस्ती किसी को आप उठा रहे हो उठा करके आर्मी में डाले दे रहे हो तो क्या है वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हो आप उसके साथ तो कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी का मतलब गाइज यही होता है ये बहुत बड़ा एक आ, हम इसको एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल टर्म के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी मतलब कि जब कभी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को या फिर ग्रुप ऑफ मेम्बर्स या फिर पीपल को फोर्सफुली क्या किया जाए फोर्सेबली क्या किया जाए रिक्रूट किया जाए मिलिट्री सर्विसेज में और कंपलसरी किया जाए कि तुमको यही ही काम करना है देन इट विल बी कंसिडर एज अ कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी ठीक है कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी अभी आगे टर्म आगे आएगा देन आफ्टर रिपब्लिक तो हम सब जानते हैं डेट इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री गणतंत्र होता है गणराज इसका मतलब हिंदी में होता है वैसे इसका मतलब जो होता है वो ये होता है दैट इफ देर इज ए पार्लियामेंट इफ देयर इज ए पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के हाथों में क्या होगा था अल्टर दल पावर बी इन देंड्स ऑफ द पार्लियामेंट सो वही चीज यहाँ पे कही गई है दैट द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर द रिजीम इन विच द रियालिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट अब देखिए यहाँ पे सीनेट का वर्ड यूज़ किया गया सिनेट इज ऑल्सो कैन बी यूज एज अ पार्लियामेंट कैन बी कंसिडर एज पार्लियामेंट बिकॉज इट इज हियर अ बॉडी डोमिनेटेड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्थ फैमिलीज हु फॉर्म्ड दी नोबिलिटी अब जो इतने भी नोबेल पर्सन होते थे या फिर बहुत ही रिच क्लास पर्सन होते थे वो यहाँ पे मिल करके जो फेल्दी वेल्दी फैमिलीज होती थी या जोबल फैमिलीज होती थी उनकी मदद से या उनके एक ग्रुप को सीनेट कहा जाता था और उनके पास ये पावर होती थी मतलब पावर पावर इज़ इन द हैंड ऑफ सैनेट और उस सीनेट को कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है तो वेल्दी फैमिलीज या फिर जो नावल्टीज जितनी भी होती थी नॉवल्स होते थे वो सेनेट मिल दोनों मिलकर के सेनेट बनाते थे उनके पास ये पावर होती थी अब पावर का है कि टू रन द एम्पायर ठीक है सो आफ्टर दिस इन प्रैक्टिस द रिपब्लिकन द रिपब्लिकन द रिपब्लिक द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट और टू द नोबलिटी ऑफ द नोबेलिटी बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ नोबेलिटी थी उसका रिप्रेजेंटेशन रिपब्लिक को कहलाया जाता था एक्सरसाइज टू द बॉडी कॉल दीनेट वहाँ पर एक बॉडी बना दी गई है उसको एक नाम दे दिया गया जिसका नाम था सेनेट तो कॉन्स्रिक्टेड कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी आया उसको समझ में आ गया होगा रिपब्लिक भी समझ में आ गया होगा आफ्टर दैट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दैट टू समर दरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी व द्री मेन प्लेयर्स इन द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर बेसिकली जो यहाँ पर हम लोग को देखिए कोई भी किंगडम आज तक की रहे हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो तीन मेन जैसे जो स्तंभ होते हैं या फिर जो पिलर्स होते हैं एक तो भाई जो जो कि ओनर है जो मतलब किंग है ठीक है वो हो गया और दूसरे वहाँ के एरिस्टोक्रेसीज या फिर जो नॉबल्स होते हैं वो हो गए और तीसरे जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई वहाँ के जो आर्मी होती है या फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो होगा तो ये तीन चीज़ें ही जो जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं देन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल गाइस तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि किंग यहाँ पे किंग किंग के साथ आपकी जो नोबल्स या फिर एरेस्ट्रोसिटीज़ हैं वो और इसके अलावा हमारे जो सोल्जर्स या फिर जो आर्मी है वो इन तीनों को मिला कर के एक जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो एम्पायर तैयार होता है उस एम्पायर का जो प्रिवेलेंस होता है वो उसी पे ही निर्भर करता है कि कितनी अच्छी किंगशिप है कितने अच्छे नोबल्स हैं और कितनी अच्छी आर्मी है तो देखिए जहाँ आर्मी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वो उतना ज़्यादा एरिया को अपने एक्सपैंड में कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अलेक्ज़ेंडर की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बाबर की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अकबर की तो ये सब क्या थे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें चंद्रगुप्त की चंद्रगुप्त मौर्य की तो ये सब क्या थे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इन रूलर्स के पास एक बहुत अच्छी एक वास्ट और वैरायटी बेस्ड सेना थी एक आर्मी थी तो जिसकी सेना जिसकी आर्मी जितनी ज़्यादा कंट्रोल्ड होगी जितना ज़्यादा डिसिप्लेंड होगी जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होगी वो उतना ज़्यादा ही वो जो बेसिकली राजा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो पावरफुल होगा ये तो एज़ यूजल सी बात है ठीक है अब लेकिन उस टाइम क्या होता था कि जो रोमन्स होते थे उनके जो आर्मी मैन होते थे उनकी हम लोग जो जो पिक्चर है वो उसी हिसाब से देख सकते हैं जैसी उस टाइम के हिस्टोरियंस ने उनको डिज़ाइन किया है तो ये माना जाता है कि उस टाइम जो सेनेट होता था वहाँ पे लोग आर्मी मैन को हेट करते थे और डरते थे उनसे क्योंकि ये मानते थे कि जो आर्मी मैं दे आर एक्चुअली द रीज़न और द कॉज ऑफ़ द अननेसेसरी या फिर अनप्रडिक्टेबल वायलेंस जो अनप्रडिक्टेबल वायलेंस होता है या फिर अननेसेसरी वायलेंस होता है उसका मेन रीजन जो होता है ये आर्मी मैन होते थे इसलिए जो सेनेट मतलब कि जो मेन वहाँ का जो ग्रुप था जो कि नोबल्स होते थे और जो वेल्दी पर्सनस होते थे फैमिलीज होती थी वो इस चीज़ को क्या करती थी कंसिडर नहीं करती थी दैट दे आर गुड especially in the tense condition in the third century when the government was forced to tax more heavy to pay its mounting expenditure. तो I hope से ये चीज़ आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की समझ में आ गई होगी ठीक ग्यारह लाइन टू सम ऑफ द इम्पर एंड एस टू के एंड इसको आप बहुत जगह पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन ठीक इसके बाद अब यहाँ पे सक्सेशन की बात आ जाती है आप यहाँ वाली लाइन लास्ट वाली में देखेंगे ना कि माउंटेड एंड द थ्रोन इज थ्रोन इज माउंटेड throne is इज क्विक द फर्स्ट two centuries were तो यहाँ पे जो सक्सेशन वर्ड आया है इसके बारे में चलिए बात करते हैं देखिए सक्सेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर ये एक राजा है इसके दो पुत्र हैं ठीक है इसका नाम है राजपूत ए मतलब कि क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं प्रिंस ए और ये है प्रिंस बी ठीक है ये है प्रिंस ए और ये है सॉरी ये एक है हमारा किंग इसके दो पुत्र हैं एक का नाम है ए एक का नाम है प्रिंस बी तो इसका इसकी मर्जी ये दोनों में से किसको अपना और ये पूरा एक साम्राज्य है अब ये चाहे तो ये दोनों में से किसी एक को पूरा पूरा उठा के दे दे चाहे तो ये बीच से आधा आधा दोनों के बीच में बांट दे या तो फिर सेवेंटी थर्टी अपने परसेंटेज जो भी ये लगाना चाहता है ये लगा सकता है ठीक है सो बेसिकली सक्सेशन का ये दो मतलब होता है अब याद फिर यहाँ पर सक्सेशन दो तरीके से एक और हो सकता है ये किंग है किंग का या तो फिर ये नेचुरल सन होगा और या तो फिर ये क्या होगा ये अडेप्टिव सन होगा ये हो गया अडेप्टिव सन और ये हो गया नेचुरल सन तो या तो फिर होगा इसके पास नेचुरल सन और या तो फिर होगा एडाप्टिव सन तो दोनों में से किसी को भी ये क्या कर सकता था अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज होती थी, थी इसको पास ऑन कर सकता था इसमें इसको कोई भी रोक टोक नहीं थी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एटीन ऑफ इंडिया लॉर्ड दलहाउज़ी की जो एक जो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की एक जो एनेक्सेशन की प्रॉपर्टी सॉरी एक एक्ट निकाला था आई होप सो यू ऑल आर गेट यू यू आर आर ऑल अवेयर ऑफ इट कि कैसे उसमें कि अ रूलर हु डज नॉट हैव इट्स ओन ओन सन कैन नॉट पास इट्स प्रॉपर्टी टू अडोप्टेड सन ये सब जो उसमें मतलब जितनी भी प्रोविजन्स होते थे उस एक्ट के तो कैसे so, एक इट वॉज अ क्रूअल एक्ट सो अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि टेबरिस इट वॉज अराउंड द पीरियड ऑफ फोर्टीन टू थर्टी सेवन सिविल सी ई कॉमन है देंड इज़ द लॉन्ग लाइन ऑफ द रोमन एम्परस वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्तस यू ट्रिब्रिस् था इट वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्त ना हु इज दिस अगस्त तो एक उस टाइम पे एक कह सकते हैं एक रूलर था अगस्तस जिसने जिसने किसकी फाउंडेशन की थी तो प्रिंसिपेट की आप प्रिंसिपेट वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपेट की स्थापना करी थी प्रिंसिपेट की स्थापना करी थी ठीक है ये हो गया हमारा प्रिंसिपेट प्रिंसिपेट की स्थापना करी थी अगस्तस ने और इस ऑगस्तस के एक सन था जिसका नाम था टेबरस ठीक है तो अगस्तस ने अपने अडॉप्टेड सन टेबरिस को अपना पूरा ये जो प्रिंसिपेट का जो साम्राज्य था ये दे दिया था विदाउट एनी हेजिटेशन ठीक अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें सो द एक्सटर्नल वॉरफेयर वॉज ऑल्सो मच एक्सटर्नल वॉरफेयर वॉज ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट टू सेंचुरीज पहले दो सेंचुरीज में हमको बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि जो एम्पायर इनहेरिटेड हुआ था टेब्रिस के द्वारा जो कि अगस्तस ने उसको दिया था बिकॉज दिब्रिज वॉज द एडॉप्टिड सन ऑफ अगस्त वॉज ऑलरेडी सो वास्ट क्योंकि वो पहले से ही जो आ, ये आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपेट प्रिंसिपेट नाम का आ, प्रिंसिपेट नाम का जो एक इतना बड़ा साम्राज्य दिया था अगस्तस ने टेब्रस को ये पहले से ही बहुत बड़ा था इन लार्ज था इसलिए टेब्रस को कभी भी एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अब चूंकि एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं फॉलो करी इसलिए कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ सो एवरी थिंग वेरी मच पीस लविंग तो अगस्तन की एज को हम लोग जो है पीस के नाम से रिमम्बर्ड फॉर द पीस पीस की वजह से मतलब कि शांति की, की वजह से जानते हैं ठीक है किस चीज़ जानते हैं बेसिकली जो पीस होती थी जो शांति वहाँ पर रहती थी उन सब की वजह से हम लोग जानते हैं ठीक है सो आगे द ओनली मेजर कंपेनियन ऑफ द ऑफ ऑफ इट्स द कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्राजें फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी अक्रॉस दूफ्रेट्स इन द ईयर वन हंड्रेड थर्टीन टू वन हंड्रेड सेवेंटीन सिविल कॉमन एरा एबेंडेड बाई सक्सेसर ठीक है सो यहाँ पे एक हम लोग को Trajan देखने को मिलता है त्राजेन तो राजन का ये सपना था कि वो पूरी इंडिया को अपनी इस इंडिया को बड़े आए, इंडिया जीतेंगे हैं देन आफ्टर इट वॉज एक्चुअली जस्ट अ ड्रीम ठीक है इनका ड्रीम क्या था तो ये था कि दैट इट इज एंटी ऑक मार्क बाय अ ग्रेट अर्थ क्वेक इन वन हंड्रेड सिक्सटीन टन मार्च डाउन द यूफ्रेट्स इन यूफ्रेट्स टू द पार्थियन कैपिटल ठीक है एंड देन टू द हेड ऑफ द पर्शियन गर्ल्फ देअर कैसियस डीओ डिस्क्राइब्स हिम लुकिंग लॉन्गिंगली एज अ शिप सेटिंग फॉर ऑफ फॉर इंडिया एंड विशिंग दैट ही वर द यंग ही वर एज यंग एज अलेक्जेंडर तो जैसे अलेक्जेंडर का सपना था पूरे भारत को पूरे विश्व को जीतने का वैसे ये भी महाराज लेके निकले, निकले थे एक सपना दैन रोमन हिस्टोरियंस है रिच कलेक्शन ऑफ सोर्स टू गो ऑन अब ये जो रोमन्स हैं रोमन्स हिस्टोन के पास क्या था यह बहुत ज़्यादा इस मामले में प्रोफाउंड माने जाते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने कहा हर चीज़ का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट अपने पास रखा जैसे कि टेक्स्ट के बेसिस पे टेक्स्ट के बेसिस पे रखा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रखा और मटेरियल रिनेम्स रिमेन्स के बेसिस पे भी इन्होंने रखा था जो कि बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस से इम्पॉर्टेंट माना जाता है और जिसने बहुत सारी चीज़ों को इवॉलीट होने में इवोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करी अगर हम यहाँ पे टेक्चल सोर्सेज की बात करें तो टेक्सटल सोर्सेज जो है वो टेक्सल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं जितनी भी हिस्ट्री होती है देखिए गाइज अगर कोई भी एक राजा है ठीक है तो उस राजा ने कौन सी लड़ाई जीती ठीक है कौन सी हारी ठीक है बेसिकली पेसिंग ही अपना राजा लिखवाता था कौन से वो अच्छे काम गुड काम करता था ठीक है गुड डीड्स इसकी जितनी भी होती थी वो सब क्या होता था उसका एक मंत्री जो होता था वजीर वो सारा का सारा उठा करके किताब में लिखा करता था ठीक है तो मान लीजिए ये राजा गया ये राजा जाने के बाद देख दूसरा राजा आया इसके बाद तीसरा राजा या फिर दूसरा राजा आया तो और ये मंत्री क्या कर रहा है कंटिन्यूसली इन सब की जीवन रेखाओं को लिखता चला जा रहा है तो टाइम लाइन बढ़ रही है और टाइम लाइन के साथ साथ राजा चेंजेस हो राजाओं में चेंजेस होता जा रहा है और चूँकि राजाओं में चेंजेस होता जा रहा है इसलिए Uh, the things are also getting changed and the history is keep on keep on adding itself ठीक अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं सो uh, so, डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली उस टाइम पे जितनी भी uh, जैसे कि थाउजेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे लोगों के बीच में ट्रेडिंग के टाइम पे अकाउंट्स होते थे लेटर होते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे सर्वाइव सर्वाइव ऑन पेपरस एंड देखिए उस टाइम पे बेसिकली जो एक स्टोन होता था स्टोन के ऊपर उस चीज़ को एनग्रेव करके रखते थे इसीलिए इतने लंबे समय तक कि क्या होता था वो प्रिजर्व होकर के रह सका ठीक है क्या होगा प्रिजर्व होकर के रह सका ठीक है प्रिजर्व होके रह, रह सका और अदरवाइज अगर वो ऐसा ना करते तो क्या होता है वो प्रिजर्व होकर के नहीं रह सकता था इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आता है पेपरस पहले हम यहाँ पे आपको पेपरस का मतलब बता दें क्या होता है सो पेपरस वॉज एक्चुअली अ रीड लाइक प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग दी बैंक ऑफ नाइल इन इजिप्ट वी ऑल नो कि इजिप्ट में क्या है कौन सी नदी है नाइल है उसकी बैंक में हम लोग को एक रीड का पेड़ रीढ़ जैसा पेड़ देखने को मिलता है और वो पेड़ जो होता है बेसिकली उससे हम लोग को यहाँ पे पेपरस देखने को मिलता है प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटीरियल उससे हम लोग क्या करते हैं राइटिंग मटीरियल बनाते हैं एंड दैट वॉज वेरी वाइडली यूज इन एवरी डे लाइफ ठीक इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारा मटीरियल तो मटीरियल में हम लोग को देखने को मिलते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स देखने को मिलती है मोन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं ठीक है और इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स पॉटरी कॉइंस मोसिकल्स ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि एक तरीके से एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का एक सोर्स रहा है तो गाइज़ ये अपना पार्ट थ्री ख़त्म यहीं करते हैं हम यहाँ पे बट ऐसा नहीं है कि अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया ये थीम ख़त्म हो गई अभी इसमें बहुत सारे पार्ट आने वाले बाकी हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग चैप्टर ओके सो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें आप प्रीवियस पार्ट्स को देखें उसके बाद फिर आप ये वाले पार्ट को भी देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ आप टाइम लाइन और इवेंट्स को कोरिलेट कर सकें थैंक यू सो मच सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन गाइज अगर आप लोग हेल्प करेंगे दैन ओनली वी विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एंड मोर क्वालिटी बेटर कंटेंट टू योर टू यू ऑल एंड मेरे साथ, साथ अदर जितने भी एजुकेटर्स हैं हमारे आशीष मलिक गाइस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर उन सबकी वीडियोज़ को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच